दोस्तों, वैसे तो आपने कई तरह की हिंदी वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी सच में बहुत ही शॉकिंग है। इन सीरीज में आपको अच्छा खासा थ्रिलर मिलेगा और कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं जिनकी स्टोरी सच में बहुत ही शॉकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की, धोता। दोस्तों, अगर आपकी भूतों से फटती है तो इस सीरीज को आप पहले ही स्किप कर दें। इसकी कहानी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हर एक्टिविटी से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है एक करप्ट जर्नलिस्ट से, जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारा करप्शन करता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, और उस कागज के टुकड़े में जो भी लिखा हुआ रहता है वही उसके सामने सच में हो रहा होता है। इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश पूरी सीरीज में की गई है कि इस कागज में जो भी लिखा हुआ है वह किस तरह सच में हो रहा है। इसकी स्टोरी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। सच मानिए, इसकी स्टोरी आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इस सीरीज की एंडिंग सच में बहुत ही सरप्राइजिंग है और यह सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करेगी। हॉरर और थ्रिलर सीरीज के शौकीनों के लिए यह सीरीज एक मास्टरपीस है। IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं काला पानी वेब सीरीज की। दोस्तों, कोरोना का नाम सुनते ही हमारी फट जाती है और इसी तरह के डेडलीस्ट वायरस इस सीरीज में भी देखने को मिलेंगे। काला पानी वेब सीरीज में आप देखेंगे कि एक वायरस की वजह से अंडमान में बहुत सारी जाने जा रही हैं, लेकिन असल में यह वायरस कहां से आता है और इसका असली तोड़ क्या है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज के पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक आप एक अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करेंगे। सीरीज का एक भी एपिसोड आपको फालतू नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिन पर आप अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस सीरीज की स्टोरी बड़े ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है, जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस सीरीज में भले ही दिखाया गया है, लेकिन वे सभी एक जगह पर कैसे कनेक्ट होते हैं यह भी इस सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। सीरीज की स्टोरी सच में मास्टरपीस है और IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। अगर आपने नेटफ्लिक्स चार्ली चोपड़ा है, चार्ली एक खतरनाक मर्डर केस को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक इस मर्डर केस को कैसे सॉल्व किया जाता है यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज की स्टोरी आपको द नाइट मूवी से मिलती जुलती लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। सीरीज की शुरुआत से लेकर अंत तक आप सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि असल में कातिल कौन है, और जैसे ही आप कातिल के बारे में जान लेंगे हो सकता है कि आपको सदमा भी लग जाए। सीरीज की स्टोरी आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करेगी और यह सीरीज स्पेशली उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी जो मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10th में 6.7। नंबर 4 पर है काला। दोस्तों, आपने करप्शन ऊपर ना जाने कितनी सारी मूवीज और सीरीज पहले से ही देख रखी होगी, लेकिन यह एक्चुअल में एक करप्शन को लेकर बनाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे जाबांज पुलिस ऑफिसर से जो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे पैसों को जब्त कर लेते हैं, लेकिन उस पैसे का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है कि असल में यह पैसा कहां जा रहा था और यह पैसा किसका है। इस सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल एंजॉय करेंगे। सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल महसूस करेंगे और यह सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। सीरीज में कुछ ऐसे पहलू दिखाए गए हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच किस तरह लोगों को माइग्रेट किया जाता है यह भी बखूबी दिखाया गया है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.7 और यह सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, कोहरा। दोस्तों, यह कोहरा कोई आम कोहरा नहीं है, क्योंकि इस कोहरे में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं। ये सीरीज आपको ले जाती है पंजाब, जहां दो बच्चे जंगल में खेल रहे होते हैं
और अचानक से उनकी नजर एक डेड बॉडी पर जाती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है पंजाब पुलिस से, जो किसी भी तरह इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। लेकिन असल में पंजाब पुलिस इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज में आप अच्छा खासा मिस्ट्री एंजॉय करेंगे। शुरुआत से लेकर अंत तक आप कंफ्यूज रहेंगे कि असल में इस डेड बॉडी के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है और इसके कातिल कौन है। सीरीज की एंडिंग आपको बहुत ही सरप्राइज कर सकती है। सीरीज में बहुत सारे पहलू दिखाए गए हैं और वे सभी आपको बहुत पसंद आएंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7, 5 नंबर 2 पर है अर्नियाक। अब कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में घूमने गए हैं और ऊपर देखते ही आपको एक बॉडी लटकती हुई नजर आती है, तब आपके दिल और दिमाग पर क्या बीतेगी। यही चीज इस सीरीज में भी देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक टीनेजर की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकती हुई पाई जाती है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह इस टीनेजर की डेड बॉडी की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और अंत तक यह केस किस तरह सॉल्व होता है, यह जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, यह सीरीज तब और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब इसमें एक भूतिया कैटेगरी को भी शामिल किया जाता है। यानी कि इस सीरीज में एक ऐसा पहलू भी है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि आपको सच में बहुत ज्यादा डरा भी सकता है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में वाव है। इसमें थ्रिल और मिस्ट्री दोनों ही चीजें आप एक साथ एंजॉय करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.8। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प सीरीज की, पटालॉक। कहानी की शुरुआत होती है इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन असल में वह उसे क्यों मारना चाहता है, यह जानने के लिए आपको यह सीरीज देखनी होगी। दूसरी तरफ एक सीरियल किलर शहर में बहुत सारे मर्डर कर रहा होता है, लेकिन यह सीरियल किलर कौन है, यह भी एक बड़ी मिस्ट्री है जो पूरी वेब सीरीज में सस्पेंस बनाए रखती है। सीरीज की स्टोरी अमेजिंग है। हर एक एपिसोड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एपिसोड में आपको अच्छा खासा थ्रिल मिलेगा। सीरीज का सीजन 2 बहुत जल्द 2024 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी रिलीज डेट नहीं दी गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.9। इसे आप जरूर देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह काउंटडाउन पसंद आया होगा। इन सीरीज को देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि इनकी स्टोरी कितनी शॉकिंग और थ्रिलिंग है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।